नए साल के अवसर पर शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस दौरान ईसाई समाज के लोगों ने प्रभु ईसा मसीह से देश के लोग के सुख समृद्धि की कामना की, जिसके संबंध में क्राइस्ट चर्च के फादर डी आर लाल ने बताया कि नए साल का दिन मसीही समाज विशेष तौर से सेलिब्रेट करता है। उन्होंने बताया कि यह वर्ष सभी धर्म तथा सभी जाति का है तथा परमेश्वर पुराना वर्ष हम सभी का अच्छा रखा तथा नए वर्ष में भी परमेश्वर के बताए गए सिद्धांतों पर जो प्रेम दया करुणा क्षमाशीलता का है उसको अपने जीवन में स्वीकार करें और उसके अनुसार अपना जीवन अपने समाज और दूसरों के लिए काम आए तथा आने वाले वर्ष में हमारे देश और देशवासियों को किसी भी महामारी और संकट से बचाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्राइस्ट चर्च के फादर डी आर लाल ने कहा, जो वचन आप बताते हैं मम्मी उसको हम ग्रहण करने वाले, जब हम क्लिशन करते हैं तो मुझे उन्हें बुद्धि जाने उनके पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त होती है। भाई आप ऐसे थैल्यू बना रखते हैं शेयर के बल्कि ऐसे थैल्यू बना रखते कि मैं जो है वो परमेश्वर के अंदर सुना नहीं, लेकिन ये मनुष्य क्या है पाए जाते हैं वो यदि जा रहा है उसका सारा मिला है तो हमारे अंदर जो मैं की का स्वभाव है मैं जो हमें एक प्रवृत्ति हमारे अंदर है मैं की अपना सब समझते हैं हमको और परमेश्वर के रूप से इस बात को समझ लेना चाहिए कि मैं सब जो है वो परमेश्वर के क्योंकि मैं जो है जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे गुरुओं को प्रदर्शित करता है। मैं लेकिन मैं कौन है केवल परमेश्वर बहुत जल्द बहुत मेरा नाम रेवरेंड डी आर लाल है। मैं क्राइस्ट चर्च डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का प्रभारी पुरोहित हूँ, पादरी कह सकते हैं। देखिए हैप्पी न्यू ईयर जो है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष का प्रारंभ होता है और नव वर्ष का प्रारंभ जो है ये एक सर्वमान्य विश्व में मान्य ये जो कैलेंडर है उसके अनुसार हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं और ये दिन जो है ये मसीही समाज विशेष तौर से इसको इस प्रकार सेलिब्रेट करता है कि हम 31 तारीख जो वर्ष का अंतिम दिवस होता है उस दिन हम भी हम आराधना करते हैं रात में 11 बजे और 12 बजे हम फिर नए वर्ष का स्वागत करते हैं। मेन उद्देश्य जो हमारे इस आराधना को करने का या इस को मनाने का ये है कि ये हमारा और सारे मानव जाति का चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो ये कर्तव्य होता है कि एक वर्ष जो हमें दिया गया परमेश्वर ने हमें जीवन दिया तो हम उस वर्ष में जो बीत चुका होता है अपने जीवन में हमने क्या क्या किया क्या अच्छा किया क्या बुरा किया उसका मूल्यांकन करें। जहाँ कहीं कुछ कमियाँ हमें नज़र आती है व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में तो ये प्रयास करें कि नए वर्ष में हम उन कमियों को अपने जीवन से दूर करेंगे। नंबर एक। नंबर दो ये कि नए वर्ष में जब हम प्रवेश करते हैं तो आज के दिन जो हम यहाँ पर आराधना करते हैं परमेश्वर को पहली बात तो धन्यवाद देते हैं इस नए वर्ष में प्रवेश कराने के लिए और दूसरी बात ये है हमारा उद्देश्य कि हमें चाहिए कि एक मानव के रूप में भौतिक हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं कुछ लक्ष्य होते हैं उनका निर्धारण करें कि इस वर्ष हम अपने जीवन में अपने परिवार के लिए स्वयं के लिए इन लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जिसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। या दूसरी आवश्यक चीज़ जो हमारी आत्मिक जीवन है तो हम मसीह जब इस
आराधना को करते हैं तो उसमें हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर की बताई हुई आज्ञाओं को हम इस वर्ष किस प्रकार अपने जीवन में आत्मसात करते हुए प्रैक्टिकल रूप से, प्रयोगात्मक रूप से अपने जीवन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने बैठने उठने, अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा हम दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, इसका हमें लक्ष्य बनाने की आवश्यकता होती है, ताकि हम हमारा जीवन में एक निर्धारित भौतिक एवं जो आत्मिक जीवन हमारा, उसके लिए हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, और इसी के तहत हम इसको मनाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने पुराने वर्ष हम सबों को अच्छा रखा, ये नया वर्ष में प्रवेश कराया। परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उनके बताए गए सिद्धांतों पर, जो कि प्रेम, दया, करुणा, क्षमाशीलता का है, उसको अपने जीवन में स्वीकार करें, विकसित करें, और उसके अनुसार हमारा जीवन ऐसा हो जो दूसरों के लिए भी आशीष के कारण हो, हमारे अपने समाज के लिए भी आशीष के कारण हो। तो ये उद्देश्य ही हमारा होता है, और ऐसे अवसर पर हम सारे अपने नगरवासियों को, विशेष तौर से देशवासियों को इस नए वर्ष 2022 की शुभकामनाएँ देते हैं। हमने परमेश्वर से ये भी प्रार्थनाएँ की हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार पिछले वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश को विशेष तौर से संभाल कर रखा, ये आने वाला जो नया वर्ष आज से प्रारंभ हुआ है, इसमें भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे देश पे हो, हमारे देशवासियों पे हो, ताकि हम हर एक प्रकार की महामारी, हर एक प्रकार के संकट और हर एक प्रकार की परेशानी से बच के आनंदपूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें।